सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं करने वाला हूँ हमारे कोई पोंड के अंदर हमारा न्यू फिश ऐड, जो कि होने वाला है हमारा सिकलेट फिश। एंड जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन सा फिश मैं हमारे कोई पोंड के अंदर ऐड करने वाला हूँ, तो आज आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। एंड अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, एंड हमारे चैनल को भी आपने जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स में वीडियो लाते रहता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम करने वाले हैं यहाँ पे हमारा सेवरम सिकलेट का मेल फिश ऐड, जो कि वो हमारे मोस्टर टैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे फिशेस को डिस्टर्ब कर रहा है, स्पेशली हमारे ओस्का फिशेस को। तो वैसे भी सेवरम सिकलेट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं मेल स्पेशली। तो हमारे पास फीमेल है जिसको हमने कोई पोंड के अंदर ऐड किया हुआ है पहले से, तो इसके साथ आने वाला है इसका मेल पार्टनर। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे मोस्टर टैंक की तरफ, वहाँ से लेकर आते हैं हमारा सेवरम सिकलेट का मेल। एंड यहाँ पे आपको मैं फिशेस का अपडेट दे दूँ, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो नॉर्मली जो भी हमारे फिशेस हैं बिल्कुल हेल्दी हैं सारे के सारे। एंड स्पेशली हमारा रेंचो गोल्ड फिश, जो कि हमें हमारी गोल्ड फिश में सबसे ज़्यादा डिफरेंट वेराइटी में मिला है, यहाँ पे सिर्फ एक, तो ये एक ही है डिफरेंट बिल्कुल। एंड हमारी जो दूसरे गोल्ड फिश हैं वो हमारे नॉर्मल गोल्ड फिश हैं सारे के सारे। तो देख ही सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बट इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है अभी भी। तो चलिए लेकर आते हैं हमारा सिकलेट फिश। तो इस तरफ रहा भाई हमारा मोस्टर टैंक सेटअप, एंड यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ हमारे सिकलेट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहे हमारे तीनों के तीनों उसका। तो हमारे एल्बाइनो को तो ये डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि हमारा एल्बाइनो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बट ये हमारे मैंगो एंड हमारे फायर रेड उसका फिश को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आप इनके स्केल्स देख सकते हो, स्पेशली इनके टेल देख सकते हो, हल्की हल्की से आपको कटी हुई नज़र आ रही होगी, तो जिस वजह से भाई हम इसको निकालने वाले हैं बाहर, क्योंकि हमारी यहाँ पे एडवाना भी है। एंड मैं नहीं चाहता कि हमारी एडवाना को कोई भी फिश डिस्टर्ब करे, क्योंकि धीरे धीरे से सभी फिशेस को ये डिस्टर्ब करना शुरू करेगा हमारा सेवरम सिकलेट। तो इसको लेके जाने वाले हैं हम अपने मोस्टर टैंक से बाहर, एंड यहाँ पे इसको करने वाले हैं ऐड हमारे कोई पॉन्ड के अंदर। तो देख सकते हो वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, एंड बिल्कुल हमारे टेम हो चुका है, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इसको निकालने का। देख सकते हो बिल्कुल हमारे ओस्का फिशेस की तरह हमारा टेम हो चुका है, बट ये कर रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब हमारे फिशेस को। तो ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकता भाई कि हमारे ओस्का जो कि हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट फिश है उनको ये डिस्टर्ब करे। तो इसको निकालते हैं, एंड हम आपको तब तक देते हैं हमारे जाइंटो का अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने फिल्टर को कर दिया है बिल्कुल ही अलग। तो ये हैं हमारे सारे के सारे मोस्टर्स। तो यही हैं हमारे पास तीन मोस्टर फिश, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं हमारे पास। एंड इनका टैंक साइज मैं आपको बता दूँ तो 2.5 फीट इसकी है लेंथ, एंड 2 फीट इसकी विड्थ है, सॉरी 1 फीट इसकी विड्थ है, हाइट है इसकी 2 फीट, लेंथ आ चुकी है इसकी 2.5 फीट। तो इतना इन तीन फिशेस के लिए काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं स्पेशली हमारे इस फिश टैंक के लिए कि कितना ज़्यादा इसकी विड्थ है लेंथ है, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के अंदर रहते हैं हमारे तीन के तीन भाई जायंट फिशेस, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, एंड स्पेशली हमारा जायंट गोरामी आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम से, एंड इसको देख सकते हो ये कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसको रखा हुआ था पहले हमने हमारे कोई पोंड के अंदर, तो कोई पोंड के अंदर ये इतना ज़्यादा स्पेशल लुक नहीं दे पाता था, जिस वजह से हमने इसको यहाँ पे सेटअप किया है हमारे पाकुस के साथ, ताकि ये एक यूनिक सी जो इसकी लुक होती है वो ये अपनी दिखा सके। तो चलिए लेके चलते हैं अब अपने सेवरम को बाहर। तो चलिए भाई अब इसको निकाल लेते हैं, इसका टाइम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि ये कर रही है हमारे सारे के सारे फिशेस को डिस्टर्ब, स्पेशली हमारे ओस्का को। तो निकालते हैं भाई इसको बाहर। तो इस तरफ पकड़ लिया है भाई हमने फाइनली हमारे सेवरम सिकलेट को, ये टेम है भाई बिल्कुल, तो हाथ में आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इजीली। देख सकते हो इसका साइज़, देख सकते हो कितना ज़्यादा ये बड़ा हो चुका है हमारे ओस्का से, तो ये लगभग 2 टाइम्स बड़ा हो ही चुका है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है फिशेस को हमारे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये रहे भाई हमारे दोनों के दोनों सेवरम्स, एंड इनकी आप देख सकते हो क्योंकि इनमें एज का भी डिफरेंस है, साइज़ का भी डिफरेंस है। ये हमारे पास फीमेल जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट फिर भी ये मेल है तो इसका एग्रेशन इससे ज़्यादा ही होगा। एंड ये हमारे कोई पोंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर लेगा, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये, तो जिस वजह से हमें निकालना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम हो चुका था हमारा, बट फिर भी भाई मुझे निकालना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इसके लिए, क्योंकि ये था हमारे मोस्टर टैंक के अंदर, बट अब आना पड़ा इसके हमारे कोई पोंड के अंदर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेटल डाउन होने के लिए यहाँ पे हमारे फिश इसको इंट्रोड्यूस होने के लिए, तो 1-2 दिन के अंदर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। एंड अब जाके हम फाइनली हमारे मोस्टर टैंक के अंदर न्यू फिश ऐड कर सकते हैं, तो वो आपने मुझे कमेंट करके बता देना कि आप कौन सा फिश हमारे मोस्टर टैंक के अंदर देखना चाहते हो नेक्स्ट।
तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, एंड वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके ज़रूर से बताने, एंड स्पेशली हमारे न्यू फिश के बारे में भी आपने हमें कमेंट करके ज़रूर से बताने। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।